किशनगंज जिला निवासी और अररिया के फायर ब्रिगेड में कार्यरत फूलचंद सिंह की पत्नी का गॉल ब्लेडर में पथरी की समस्या का लेजर तकनीक से डॉक्टर नीलेश भूषण ने इलाज किया। इलाज के बारे में बताते हुए मरीज के पति फूलचंद सिंह ने बताया कि वो किशनगंज जिले के पोआखाली निवासी है और अररिया में फायर ब्रिगेड में कार्यरत है। उनकी पत्नी को गॉल ब्लेडर में पथरी की शिकायत थी। उनको नीलेश भूषण के बारे में किसी से जानकारी मिली, जिसके बाद वो डॉक्टर नीलेश भूषण से मिले, जिसके बाद डॉक्टर नीलेश भूषण ने लेजर तकनीक से गॉल ब्लेडर में पथरी का इलाज किया। मरीज ने हॉस्पिटल की व्यवस्था और खाने पीने की तारीफ की। वहीं अंजलि कुमारी नामक महिला को भी गॉल ब्लेडर में पथरी की समस्या थी, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर नीलेश भूषण से संपर्क किया, जिसके बाद डॉक्टर नीलेश भूषण ने उनका लेजर तकनीक से इलाज किया। अब महिला स्वस्थ है। मरीज अंजलि कुमारी ने बताया कि डॉक्टर नीलेश भूषण बहुत अच्छे हैं और यहाँ के सभी स्टाफ बहुत ही मिलनसार हैं। यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। क्या नाम है सर आपका? फूलचंद सिंह। इस हॉस्पिटल में किस चीज़ का इलाज कराने पहुँचे हैं? इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन था, पथरी जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं पथरी है, उसका ऑपरेशन कराने आए। और जगह से यहाँ व्यवस्था हर तरह से बहुत बढ़िया है। अररिया, खास करके अररिया जिला में ऐसे हॉस्पिटल ही फर्स्ट है हम लोग देखे हैं कि जो ऐसे ने डॉक्टर रहने का, खाने का भी इसके साथ पेशेंट के साथ और सब व्यवस्था किए। सबसे बड़ी व्यवस्था है कि जो खाने में जो ये होता है आदमी को प्रॉब्लम, वो सब सॉल्व किए हैं। और गरीब है या अमीर है, यहाँ सब तरह का व्यवस्था है। कहाँ के रहने वाले सर? किशनगंज जिला के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? पोआखाली थाना मेरा घर पड़ता है, पोखली थाना के अंतर्गत। और अररिया जिला में अभी फायर ब्रिगेड का फायरमैन के पद पे अभी कार्यरत हैं, 4 साल से यहाँ है। और जगह की तुलना में ये हॉस्पिटल हमको, मेरे भी जिला में ऐसे ना है जैसे ने यहाँ व्यवस्था है, किशनगंज में भी ऐसे ने व्यवस्था ना है। और हम तो डरते थे कि 8 दिन रहना पड़ेगा यहाँ, ऐसे ने व्यवस्था कि डॉक्टर साहब कहते हैं ना 2 दिन में आप जा सकते हैं घर। अच्छा। हाँ, इतना व्यवस्था है कि 2 दिन में पेशेंट अगर ठीक ठाक है तो 2 दिनों में डिस्चार्ज कर देते हैं। हमको पेट में मतलब पेन होता था, दर्द होता था, यही समस्या थी। तब लगभग 2 साल हो गए थे। पूर्णिया में ही पहले दिखाए थे, पूर्णिया से दिखाए तो वहाँ अल्ट्रासाउंड किए तो वहाँ पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। उसके बाद छोड़ दिए। कुछ दिन सोचे बर्दाश्त करके रहते हैं, जब ऑपरेशन अभी नहीं करना, छोटा बाबू था तो ऑपरेशन नहीं कराए। तब उसके बाद फिर जब दर्द ज़्यादा हो गया फिर गए पूर्णिया, पूर्णिया में अल्ट्रासाउंड कराए, उसके बाद वहाँ पता चला कि गॉल ब्लैडर में भी पत्थर है, उसके बाद उस नली में भी पत्थर चले गया। उसके बाद तब आए घर में उसके बाद पता चला कि हाँ अररिया में डॉक्टर नीलेश भूषण है जो पत्थर का ये करते हैं, निराकरण करते हैं। तो आए तो सर से बात हुई, अल्ट्रासाउंड सब रिपोर्ट सब दिखाए सर को, तो बोले पहले तो भागलपुर नहीं तो सिलीगुड़ी, वहाँ जाके पहले उस नली का ही कराना है, इलाज कराना है, उसके बाद वापस 2-4 रोज के बाद तब यहाँ पे हो जाएगा, उसका गॉल ब्लैडर का इलाज हो जाएगा। वैसे ही किए, उस जैसे बोले डॉक्टर नीलेश भूषण वैसे ही किए, पहले भागलपुर में दिखाए, उसके बाद तब आए यहाँ पे कराए गॉल ब्लैडर का। यहाँ बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, आज पूरा ठीक है। 2 दिन में ही पूरा आराम हो गया, ठीक लगने लगा पूरा। तो रुक गए इस वजह से कि यहाँ का सुविधा देखे कि आगे चल के कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए एक्स्ट्रा 1 दिन रुक गए हैं। कम पैसे में बेहतर इलाज हो गया, पेशेंट का खाना और दो आदमी का तक का भी खाना यहाँ मिल जाता है। आपको लगता है कि पूर्णिया पटना से बेहतर अररिया में? हाँ, पूर्णिया पटना भागलपुर से बेहतर यहाँ इलाज हो सकता है।